लोकसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया के तहत बुधवार को कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। वही नामांकन रैली की जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि 3 अप्रैल बुधवार को 11 बजे नयापुरा अमेज सिंह स्टेडियम के सामने होने वाली आम सभा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई भाजपा नेता आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नामांकन रैली स्टेडियम से अग्रसेन चौराहा और MBS अस्पताल के सामने होते हुए कलेक्ट्रेट जाएगी। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। कल बुधवार को गणेश जी के पावन दिवस पर प्रातः 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय जन जन के लाडले उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी ओम जी बिरला प्रातः 11 बजे उम्मेद सिंह स्टेडियम के सामने सभा को संबोधित करते हुए अग्रसेन चौराहा, स्वामी विवेकानंद चौराहा, नवल चौराहा, नयापुरा थाने के सामने से MBS अस्पताल के सामने से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट की ओर जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सदैव कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र नहीं अपितु पूरी प्रदेश और देश की जनता की सेवा को सदैव समर्पित रहे हैं और आपकी छवि राजनीति के साथ साथ समाज सेवी के रूप में बहुत बड़ी रही है।